जो है वो भी एक तरह का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हो? मैंने आपको सोलेनोइडल कॉइल के बारे में बताया था कि सिंपली वो होता है क्या है कि कॉपर की इस तरह की वाइंडिंग होती है वायर्स की। अगर इस वाइंडिंग के बीच में आप कोई करंट देते हो तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम इसके अंदर में कोई आयरन का कोर डाल दें, आयरन की एक रॉड डाल दें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का रॉड डालेंगे तो चूंकि यहाँ पर क्या है बीच में काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर आप आयरन रॉड डालेंगे तो ये आयरन रॉड भी जो है वो मैग्नेटाइट हो जाएगा। अब ये सॉफ्ट आयरन क्या है? सॉफ्ट आयरन उस आयरन को कहते हैं जिसमें कि कार्बन कम होता है, ठीक है। आयरन में अगर हम कार्बन ऐड करते जाते हैं तो स्टील बन जाता है, अलॉय बनता है। सो लेस कार्बन कंटेंट वाला जो आयरन होता है वो सॉफ्ट आयरन कहलाता है। इसका यूज़ होता है वो नेल्स बनते हैं, जो कीलें होती हैं ना वो सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती हैं, ठीक है, या फिर जो ग्रिल वगैरह बनाया जाता है, जो लोहे के दरवाजे बनते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं, जबकि जो मकान में सरिया यूज़ करते हैं वो स्टील का होता है, और एक होता है स्टेनलेस स्टील जिससे बर्तन बनते हैं। तो आयरन की कई तरह के वैरायटी है, मतलब एलॉय बनाए जाते हैं बाय एडिशन ऑफ कार्बन एंड अदर मेटल्स, ठीक है। सो सॉफ्ट आयरन जो होता है उसी खासियत ये कि वो मैग्नेटाइज हो जाता है और ये करेंट ऑफ करने से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके बदले स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब करंट देंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन करंट ऑफ करने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रिटेन कर लेता है, ठीक है, जिसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टोराइड में क्या होता है? टोराइड में एक इस तरह का खाली ट्यूब होता है, ठीक है, ये कोई खाली ट्यूब है, या फिर टोराइड बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन या आयरन का ही कोई एलॉय यूज़ किया जाता है, जो इस तरीके से रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये इतना बड़ा बड़ा भी होता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम उनको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं लाइक कंप्यूटर्स में, एम्पलीफायर में, या जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें, रिसीवर एम्पलीफायर, इन तरह की चीज़ों में आप पाओगे कि इसमें भी टोराइड होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब इस छोटा सा रिंग जैसा लगा होता है सर्किट में, और उस रिंग के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वायर की वाइंडिंग कर देते हैं। तो एनामेल्ड कॉपर वायर जो होता है उसको वाइंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दोनों जो जो सिरे निकल रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, करंट डालते हैं, करंट इधर से आता है और इधर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आई करंट हम भेज रहे हैं, इसमें अगर कितना करंट है, आई करंट जाता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस रिंग के आसपास है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस रिंग के अंदर कितना होगा, इस रिंग के बाहर कितना होगा, और ये जो रिंग है इसके अंदर में कितना होगा, ठीक है, इसके अंदर में कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं इसका, ठीक है, और इस सेंटर से हम लोग कुछ रेडियस ले सकते हैं जो इस रिंग का होगा, ठीक है, इस रिंग के अंदर और रिंग के बाहर। तो मान लेते हैं कि एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है, तो हम लोग अब लगाते हैं इसमें, इसमें हम लगाएंगे क्या, एम्पियर सर्किट वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे एम्पियर सर्किट। अभी जो हम मान रहे हैं अंदर में कोई कोर नहीं लिया गया, खाली पाइप है, प्लास्टिक का कोई पाइप होगा, ठीक है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज वाला भी हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगर इसके अंदर में, कोयल के अंदर में कोई कोर डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम लोग बाहर में अगर फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले अंदर निकालते हैं। ये रीजन वन है, इसको हम रीजन टू कह देते हैं, रीजन नंबर टू, और ये हो जाएगा रीजन नंबर थ्री, बाहर, आउटसाइड द टोराइड। केस वन देख रहे हैं, केस वन जो कि रीजन वन के लिए है। इसके अंदर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम लोग एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक क्लोज पाथ। आप कैसा भी क्लोज पाथ बना सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा है, हम लोग क्लोज पाथ ऐसा बना सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सिमेट्रिकल लेते हैं जिससे कि आसानी होती है। तो मैंने एक ऐसा क्लोज पाथ बना दिया, ठीक है। अब उस क्लोज पाथ के अंदर में, क्लोज पाथ जब भी बना, क्लोज पाथ के अंदर में कितना करेंट इंक्लूडेड है, तो देर इज नो करेंट विच इज इन साइड दिस क्लोज पाथ, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है। आई क्या है, आई जीरो है, इसके अंदर से कोई करंट पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा, सो आई इज जीरो, दिस इंप्लाइज बी क्या होगा, बी भी जीरो होगा, ठीक है। तो केस वन हमने किया, केस थर्ड पहले देख लेते हैं, लास्ट में मैं सेकंड केस दिखाऊंगा। केस थर्ड, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर अगर करंट जो है वो ऐसे चला है, ठीक है, इधर से करंट आया है और वो करंट इसके अंदर से होता हुआ ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे बाहर निकल रहा होगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, यहाँ से करंट क्या है, बाहर निकलता है, और यहाँ पर करंट क्या होता है, अंदर जाता है, ठीक है, अंदर जा रहा है, इसलिए क्रॉस दिखाया गया, करंट अंदर घुस रहा है, और यहाँ से करंट जो वायर है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस साइड से करंट बाहर निकलता है और ऐसे घूम करके इस वायर में अंदर जाता है। तो इसमें पूरे में आप ऐसे डॉट लगा सकते हो और इधर की तरफ में क्रॉस दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो एन टाइम्स क्या होगा, ये एन टाइम डॉट बनेंगे और एन टाइम्स ही क्या बनेंगे, क्रॉस बनेंगे, ठीक है। तो जितना अगर एन टाइम्स एन इंटू डॉट वाला होगा और एन टाइम्स ही क्रॉस वाला होगा, तो यानी कि इस प्लेन से, इस लूप के अंदर से, आउटर जो लूप मैंने ड्रॉ किया है उसमें जितने अंदर जाने वाले करंट है उतने ही बाहर निकलने वाले करंट है, सो टोटल करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आई जो होगा वो आई इन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई आउट। दिस इंप्लाइज आई जो है वो टोटल वाला क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाला और अंदर वाला करंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है इन मैग्नीट्यूड, सो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंस दिस इज जीरो, दिस इंप्लाइज बी मस्ट बी जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर भी क्या होगा,
जीरो हो जाएगा, बाहर से किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ जो कि सेकेंड केस है। ठीक है, सेकेंड केस में ही एक्चुअल कैलकुलेशन होगा। सो केस टू, केस टू में हम लूप के अंदर में क्या करेंगे, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप। इस पॉइंट से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो मैंने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया ताकि सारे के सारे उसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने क्लोज बना लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस लूप के अंदर ये जो लूप हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर ये क्रॉस वाले तो आ जाएंगे सारे के सारे, ये क्रॉस वाले जो करेंट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जो डॉट वाला करेंट जो हमने दिखाया है वो उस लूप के आउटसाइड हो जाएगा, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, म्यू नॉट आई होता है, तो आई कितना है यहाँ पर, आई जो टोटल आ रहा है वो आई टोटल, जो जगह इंडिविजुअल करंट जो जा रहा है आई एक एक हर वायर में इनटू एन टाइम्स जितने नंबर ऑफ टोटल टर्न्स होंगे, और ये एन कितना है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ कितना है, सरकमफ्रेंस 2 पाई, इसका कुछ रेडियस लेना पड़ेगा, आर ले लेते हैं 2 पाई, पता नहीं आपके बुक में कितना लिया है, इन्होंने आर लिया है, ए लिया है। ठीक है, यू कैन टेक एनीथिंग, तो मैं इसको 2 पाई चलो आर ले लेते हैं। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये कैपिटल एन निकल गया। सो ये आई जो टोटल वाला है वो निकल जाएगा आई इंटू एन इंटू 2 पाई आर, ये मैंने निकाल लिया। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास अब निकल जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ है, यानी कि बी जो है वो अंदर है, और डी एल वैक्टर किधर ले रहे हैं हम लोग, डी एल वैक्टर इज टेकन एलॉन्ग द टेंजेंट टू दिस कर्व, ये आपका डी एल वैक्टर है। यहाँ पर डी एल वैक्टर ऐसे पॉइंट करेगा, यहाँ पर अगर डी एल वैक्टर देखेंगे तो डी एल वैक्टर ऐसे पॉइंट करेगा इधर की तरफ। ठीक है, इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए ऐसे कि ये है डी एल वैक्टर, यहाँ पर अगर डी एल वैक्टर देखेंगे तो ये ऐसे आएगा। सो डी एल वैक्टर इज एलॉन्ग द इज टेंजेंट टू दिस एम्पीरियन लूप। ठीक है, सो डी एल वैक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, और ये करेंट अंदर की तरफ है। ठीक है, ये करेंट जो है वो अंदर की तरफ। आखिर हमने एम्पीरियन लूप ऐसे सर्कुलर ही क्यों ड्रॉ किया, मैंने एम्पीरियन लूप यहाँ पर जब अंदर वाला ले रहा था तो मैंने एम्पीरियन लूप ऐसा क्यों नहीं ले लिया, इसमें कुछ करंट आ जाता तो यहाँ पर हम कुछ दिखा देते कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड। आखिर एम्पीरियन लूप हमने ऐसे कोई लूप क्यों नहीं लिया, इसके पीछे कारण ये कि मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो देखना है। अगर हम लोग इसको, ठीक है, यहाँ पर अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में इसको पकड़ना होगा, अंगूठे को के डायरेक्शन में, तो उंगली कैसे कर लो रही है, ऐसे कर लो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। ठीक है, सबका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया इसी तरीके से, यहाँ बगल वाला मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ पर एक मैंने क्रॉस दिखाया, यहाँ पर क्रॉस दिखाया, ये क्या है, ये करेंट का डायरेक्शन है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है और यहाँ पे भी करंट अंदर की तरफ है।
तो अगर आप इसको करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड को होल्ड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा, लेकिन ये एक्चुअली सर्कुलर होना चाहिए। उधर वाले में ऐसे आ रहा है, यानी ऐसे है, और इधर वाले से ऐसे जा रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कर्ल होके इधर से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक बना देता हूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इंटर करके ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर बाहर आ रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैंसल आउट हुआ, जैसे सोलेनोइड में कैंसल हो रहा था, सोलेनोइड में ये उधर है ये इधर है, फील्ड यहाँ पर ऊपर वाले से जो करंट से फील्ड आ रहा है वो इधर जा रहा है, इधर वाले से इधर जाता, दोनों क्या होगा कैंसल होकर यहाँ पर फील्ड क्या देगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बाहर में जो फील्ड होगा यहाँ पर वो नेग्लिजिबल होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, जो करंट यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, बाहर वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं इसका दिखा रहा हूँ जो बाहर वाला वायर है डॉट का, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भी, ये चारों जो दिख रहा है आपको वो एक ही डायरेक्शन में, ये चारों भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर में, टोराइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, रिंग के शेप में मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सब जो है वो ऐड होते जाएंगे, इधर वाले इधर वाला ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर में फील्ड नहीं होगा, इधर फील्ड नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, दोनों का फील्ड जो होगा ऐड होगा, दोनों का फील्ड होगा, इस तरीके से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है वो देखना है। बी डॉट डी एल निकालने में ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर ऐसे है, इधर की तरफ है, और डी एल वेक्टर भी किधर है, इधर की तरफ है, इसीलिए डी एल वेक्टर को ऐसे सर्कुलर ड्रॉ किया गया है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके का हो वैसा ही हम लोगों को एम्पिरियन लूप भी ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर रिंग की तरह आ रहा है, और एम्पिरियन लूप भी हमने रिंग वाला ही लिया है, सर्कुलर ही लिया है। सो बी डॉट डी एल, ठीक है, ये आ जाएगा बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो डिग्री, तो ये आ जाएगा बी डी एल, बी डी एल। और बी क्या है, इस रिंग में हर जगह तार जो लपेटे गए हैं इसके ऊपर में, वो जो वायर्स हैं वो वायर्स बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे लगाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ जो है वो पूरे वायर में एक जैसा रखा गया है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे वायर में क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर कहीं पर ज़्यादा टर्न्स हैं, कहीं पर कम टर्न्स हैं, ठीक है, कहीं डेंसली है, कहीं लूजली पैक्ड हैं, तो उस केस में फील्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फील्ड क्या एक जैसा है क्वाइल, ठीक है। तो B क्या है, कांस्टेंट है, तो B बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, dl रह जाएगा, और हम लोग लिख देते हैं ये, मैं भी I इंटू एन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ लेकिन मैं I इंटू एन ही लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज B इंटू डी एल का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, 2 पाई r, इसके अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 पाई r आ जाएगा, dl इक्वल टू आई इंटू एन, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू आई इंटू एन
मैंने म्यू नॉट छोड़ दिया है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई टोटल ले लिया है, ठीक है, इन छोड़ देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग नहीं टोटल अगर ले रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल एन, सो म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल एन, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल एन अपॉन टू पाई आर। अभी एन अपॉन टू पाई आर जो है ये क्या है, मैंने इसको पहले भी डिफाइन कर रखा था, अगर आप ये लिख देते एन के बदले में एन इंटू टू पाई आर तो दोनों कैंसल हो जाता, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं ये नहीं लिख करके यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कि एन इज इक्वल टू होगा कैपिटल एन अपॉन टू पाई आर। तो इस टर्म को लिख लेते हैं, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू कैपिटल आई, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोराइड, ठीक है। सो फील्ड इसके अंदर में जीरो होगा, बाहर में जीरो होगा, सिर्फ इस टोराइड के कॉयल के अंदर में होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फील्ड जो है वो लीक नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कुछ सर्किट्स में, कुछ ऑसिलेटर्स बनाने में, या फिर कोई ऐसा सर्किट जिसमें कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, उन केसेस में इस तरह के टोराइड वाले कॉयल का यूज़ किया जाता है। और भी एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। तो ये था टोराइड। तो अब हम लोग करेंट का जो डेफिनेशन है एम्पियर, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाया गया था कि जो कूलम्ब होता है, ठीक है, वो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, वैसे तो देखने में लगता है कि दिस इज मोर फंडामेंटल, लेकिन एक्चुअली ये मोर फंडामेंटल नहीं है। मोर फंडामेंटल जो हमने एज्यूम, हम चूंकि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करते हैं हर चीज को, ठीक है। तो चार्ज को बिना एक्सपेरिमेंट किए थोड़ी मेजर कर सकते हैं, तो चार्ज को मेजर करते हैं हम बाई मेजरिंग द करेंट एंड टाइम, कि कितने टाइम तक करेंट फ्लो हुआ, ठीक है। और तो आपके पास करेंट है और टाइम है, तो इन दोनों से हम निकालते हैं चार्ज। सो कूलम्ब का जो यूनिट है वो एम्पियर के बेसिस पे डिफाइन किया है। सो इट कूलम्ब डिपेंड्स अपॉन एम्पियर, नॉट एम्पियर डिपेंड्स अपॉन कूलम्ब, ठीक है। तो ये भी हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम कर रहे हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट, टू पैरेलल करेंट्स। तो ये एक वायर है, इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, और ये एक दूसरा वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले अगर इस वायर की वजह से देखें, इसको इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई वन है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई टू है। तो ये जो वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको हम ऐसे करके इसके राइट हैंड से अंगूठे के डायरेक्शन में हम इसको होल्ड करते हैं। सो उंगली जो है हमारी ऐसे कर्ल हो रही है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, इधर से होगा। अगर इसको हम लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करें, ये है आई वन और इसमें आई टू करेंट जा रहा है, तो आई वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे हम होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अब आप देख सकते हो कि ये जो वायर दूसरा वाला जो रखा होगा आई टू, ठीक है, वो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा,
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, उस पर फोर्स लगता है। और हमने निकाल भी लिख रखा है कि जो डीबी होता है वो होता है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है, आई डी एल क्रॉस बी से हमने निकाल भी रखा है ये डीबी नहीं डीएफ, ठीक है, जो हमने जो बी आई एल वाला भी निकाला था, ठीक है। सो आइडियल क्रॉस क्रॉस आइडियल क्रॉस बी करके हम ये डीएफ निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इस चीज़ को लेकर के तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कहाँ से क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 136 के आसपास मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था, ठीक है, पेज नंबर 136 पे, ठीक है। सो जो किसी करंट एलिमेंट की वजह से कोई फील्ड है, ठीक है, किसी फील्ड में कोई करंट एलिमेंट रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो आइडियल क्रॉस बी होता है। और अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये मिल जाता था बी आई एल, हाँ यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो दोनों के बीच में एंगल जो है वो डी एल एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो बी आई एल फोर्स होता था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर आप इसको ऐसे होल्ड करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, और यहाँ पर वो फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो यही फील्ड ऐसे एक बड़ा सा रिंग बनाएंगे तो एक रिंग जो होगा इसमें से पास होके जा रहा होगा ऐसे, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, यानी कि दूसरा वाला जो आई टू करेंट रखा हुआ है वो इस वाले फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वायर I1 की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा वो हमने पिछली क्लास में कर रखा है, B का फॉर्मूला क्या होगा उसको मैं B1 कह देता हूँ, B1 एट ए डिस्टेंस ऑफ D, यहाँ के बीच में डिस्टेंस जो है वो D, B1 एट ए डिस्टेंस ऑफ D, बी एज ए फंक्शन ऑफ D कह सकते हैं। वो मैंने बता रखा है आपको कि म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πD हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, 2πx ना करके मैंने x के बदले d लिखा है, ठीक है। तो इतना फील्ड जो होगा इस वायर की वजह से यहाँ पर आ रहा होगा। अब ये दूसरा वाला जो वायर है वो फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, लॉरेंट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो वो फोर्स कितना होगा, जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन द वायर टू अप्लाइड बाय वायर द फील्ड ऑफ वायर वन, तो ये हो जाएगा आई, किसका आई, इसका खुद का आई, आई टू आई डी एल। तो एल वेक्टर जो मान लेते हैं कि हम लोग इसमें से ये वायर बहुत लंबे हैं, ये चले ही जा रहे हैं, इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है मान लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वायर बहुत लंबे, इस वायर में से हम कुछ सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ये सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये एल लेंथ का है। सो आई डीएल के बदले एल, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो सीधा इसी को वेक्टर मान ले सकते हैं, ठीक है। सो आई एल क्रॉस बी, और बी किसकी वजह से, वन की वजह से, इंटू बी वन आई डी एल क्रॉस बी वन, इसको अगर आप निकालेंगे तो आई टू इंटू एल क्रॉस बी किधर है, एल वेक्टर ऊपर की तरफ है,
और बी वेक्टर अंदर की तरफ है, ठीक है, ये है, ये ऊपर की तरफ एल वेक्टर, और बी वेक्टर जो है अंदर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अगर आप एल क्रॉस बी लेते हैं, एल ऊपर की तरफ और बी इधर की तरफ, एल क्रॉस बी करेंगे तो ये इधर की तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा, एल क्रॉस बी करने पर इधर की तरफ, ठीक है। सो ये इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये होगा एफ ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। मैं अगर वेक्टर ऐसे दिखा दूँ तो, ठीक है, अगर आप वेक्टर दिखेंगे तो ये ऐसे आएगा, एल क्रॉस बी हो जाएगा एल इंटू बी वन इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर अलोंग दिस, इधर होगा एन कैप, तो ये आ जाएगा बी वन आई टू एल, ठीक है। सो बी वन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, टू पाई डी यहां से मैंने बी वन की जो वैल्यू थी एट दिस डिस्टेंस डी, हम लोगों ने बी वन की वैल्यू लिख दी है, और यहां पर आई वन यूज करना चाहिए था, मैंने आई वन नहीं लिखा तो वहां पर आई वन लिखना चाहिए था, सो वो आई वन आ जाएगा, और इनटू ये I2 इनटू L हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, I2 इनटू L, सो ये आ रहा है F21, मैंने n कैप और ये वेक्टर ड्रॉप कर दिए, सो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो सिमिलरली आप चाहो तो इसके करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या लिखा जाएगा मैं वो भी करके बताता हूँ, हम उसको लिखेंगे B2 एट डिस्टेंस d, करंट ड्यू टू फील्ड ड्यू टू दिस I2 करंट एट दिस लोकेशन, ठीक है, तो उसको हम B2 कहेंगे, तो B2 जो होगा वो इसको ऐसे होल्ड जब आप करोगे ऐसे पकड़ोगे यहाँ पर कर्ल ऐसे हो के वहाँ पे से फील्ड क्या होगा, यहाँ से फील्ड जो होगा बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई टू अपॉन टू पाई डी, यहाँ पर आई वन के बदले में आई टू आएगा, और हम वो जो फोर्स निकालेंगे वो फोर्स जो होगा वो इस पर इधर की तरफ लगेगा, एफ ऑन वन ड्यू टू टू, मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूँ, F on 1 due to 2, ये हो जाएगा I1, करंट किसका I1, फील्ड किसका इस वाले का, I into L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो ये I1 into L, L जो है वो ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं और B किधर है बाहर की तरफ, सो L क्रॉस B करने, L इधर की तरफ और B इधर की तरफ, सो L क्रॉस B करेंगे तो इधर आएगा फोर्स, ठीक है, तो L इंटू बी टू इंटू माइनस एन कैप, अगर एन कैप इधर लिया गया तो उधर क्या होगा माइनस एन कैप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला चीज जो बिल्कुल इसी के बराबर फिर से आ जाएगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसकी वैल्यू जो B2 की वैल्यू है वो यहाँ पर डाल देते हैं ये वाली वैल्यू, तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि हम देख सकते हैं कि बायोट सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है बाय ए वायर एट दिस लोकेशन, ठीक है, और फिर हम उस मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो लॉरेंज फोर्स है, इन दोनों ये दोनों फार्मूलों में कुछ तालमेल है, ठीक है, और हम ये देख सकते हैं कि वो जो कनेक्शन है वो आप न्यूटन थर्ड लॉ को प्रिजर्व करने के लिए है, ठीक है, कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पर देख रहे हैं कि
बिल्कुल जैसे जो होना चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल, और उसको ये जो लॉज हैं, बायोट सेवर्ट लॉ या लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला, वो वायलेट नहीं कर सकता था, ठीक है, और नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, हाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइक करेंट्स होते, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग बन रहा है। हाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइक करेंट्स होते, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग बन रहा है। यूजिंग दिस फोर्स फार्मूला हम लोग एम्पियर को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने बुक में पेज नंबर 155 को देखो, एनसीईआरटी बुक में, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करेंट विच वेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, मतलब बहुत पतले वायर्स हैं, ठीक है, एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो पहले पर मीटर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं ये जो F12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये L को ले आकर नीचे डिवाइड कर देते हैं, बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πD। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है, ये कंडक्टर तो बहुत लंबे हैं, ठीक है, बहुत लंबे कंडक्टर जा रहे हैं, और इसमें टोटल जो फोर्स लग रहा है इन दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है, वो फोर्स कितना है, ठीक है। यूजुअली अगर आपके घर में दो वायर जा रहे हैं तो उनके बीच में आप महसूस करते हो कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, कभी हमने फील नहीं किया कि दो वायर में करंट जा रहा है तो फोर्स फील हुआ हो। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे घर में जो करंट है वो क्या है, एसी करंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लोग डीसी करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एसी करंट में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये तो पूरे कंडक्टर पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं इसमें से 1 मीटर कंसिडर करते हैं, यानी कि ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल F12, ठीक है। तो ये है स्मॉल F12, तो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो एम्पियर ये कहता है कि अगर आपके पास जो दो, एम्पियर का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं, ठीक है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है, और इसमें से 1 मीटर का सेक्शन कंसीडर करना है, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। तो इसमें यहाँ 1 मीटर की गैप पर जो दो वायर्स रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उसमें से 1 मीटर का सेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहां से यहाँ के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ये इन दोनों इस पे लग रहा होगा F on 1 ड्यू टू F1 है, ये है F2 है, सॉरी I1 है और ये है I2। सो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F on 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो फोर्स लगेगा F on 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अगर करंट दोनों में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा होगा, अगर करंट दोनों में ऊपर जाएगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर करंट जो है वो एक में ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है तो इसमें जो होगा वो होगा रिपल्सन,
इन्होंने रिपेल करेंगे. दिस इज 1 2, एफ ऑन 1 डी टू 2, एफ ऑन 2 डी टू 1. ठीक है. तो लाइक करेंट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, बट अनलाइक करेंट्स रिपेल. जबकि चार्जेस में क्या होता था, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको उल्टा मिला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग तरीके, वो ऐसे कर्ल हो रहा है. ठीक है. तो इधर वाले की वजह से अंदर हो जाता है और उधर वाले की वजह से क्या होता है, बाहर हो जाता है फील्ड. इधर अगर आप देखो तो ऐसे होल्ड करने पर जो फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, और उधर वाले को अगर होल्ड करते हो तो फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है. जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फील्ड जो है वैसे होल्ड करने से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ऐसे होल्ड करने से भी अंदर की तरफ जाता है. ठीक है. सो रिपल्सन का कॉज वही है जो लॉरेंज फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आता है. ठीक है. तो दो सेम डायरेक्शन वाले करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले रिपेल करते हैं. ठीक है. तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने दिखा दिया. अब देखो वायर्स जो हैं वो वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उनके बीच में 1 मीटर का गैप है, उसमें से हमने 1 मीटर का सेक्शन कंसिडर किया, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ दिखेंगे. अगर ये फोर्स की जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ जाता है. ठीक है. ये न्यूटन पर मीटर आएगा, क्योंकि ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं. ठीक है. सो इतना न्यूटन पर मीटर अगर आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि जो करंट इसमें बह रहा होगा, अब ये I1 और I2 को हम लोगों को बराबर लेना ही पड़ेगा, दोनों में इक्वल करंट डालेंगे. और अगर ये वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आता है तो हम कहेंगे कि ये जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, उन पे पर यूनिट लेंथ जो पर मीटर जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ठीक है, वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर आता है पर मीटर, ठीक है, देन हम ये कहेंगे कि जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का उसमें दिया गया होगा. ठीक है. तो ये है 1 एम्पियर का डेफिनेशन. ये डेफिनेशन जो है वो बहुत पुराना है, 1946 के अराउंड में दिया गया था. ठीक है. दिस डेफिनेशन ऑफ एम्पियर वाज अडॉप्टेड इन 1946, ये बुक में मेंशनड है. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर कोई इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली में करना चाहे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा. ठीक है. ये सेवरल 100 किलोमीटर लंबा हो जाएगा. ठीक है. मुझे नहीं मालूम कि कितना होगा, वो इंजीनियर लोग बता सकते हैं कि एक्चुअली में अगर हम एम्पियर को बिल्कुल इतनी 10⁻⁷ न्यूटन का जब फोर्स है तो बहुत कम फोर्स है. ठीक है. इसको मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा कंडक्टर रखना पड़ेगा. ठीक है. नहीं तो एरर बहुत ज़्यादा आएगा. आप क्या करोगे, फोर्स निकाल लोगे, दोनों टोटल जो वायर पे जो दोनों पे फोर्स लगा होगा निकाल लोगे और लेंथ ऑफ द वायर से डिवाइड कर लोगे, इसमें बहुत एरर आ जाएगा. ठीक है. बिकॉज फोर्स विल बी वेरी वीक, सो उनके मेजरमेंट में एरर आ सकता है. तो हम लोग क्या, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वायर को बहुत लंबा बनाएंगे, सो दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, शुड बी मच मच लार्जर देन द एरर इन द फोर्स. ठीक है. उस फोर्स का जो टोटल वैल्यू है और उसका जो एरर आएगा, उन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए एप्रिसिएबल. ठीक है. सो उससे, उसी के लिए हम लोग ऐसा करेंगे. और कंडक्टर बहुत लंबा लेंगे, ये कई किलोमीटर लंबा हो जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर हवा भी तो चल रही है, अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. अब हवा का जो फोर्स है उसका भी असर दिखाई देगा वायर्स पर. तो फिर ये एक्सपेरिमेंट, तो इसको करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कह सकते हैं टनल बनाना होगा जमीन के अंदर में. उस टनल के अंदर में दो वायर्स लगाने होंगे. अब आप टनल बनाओगे तो टनल बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा, उसमें स्टील के रॉड लगाने होंगे. ठीक है. तो फिर वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा स्टील या आयरन की वजह से. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली करना इतना आसान नहीं है, तो इसको करने के दूसरे मेथड निकाले गए हैं. ठीक है.
एक नहीं कि ये एक इमेजिनेशन ही बन के ना रह जाए, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या पता, ये देखना पड़ेगा कि कितना लंबा किया जा सकता है। हो सकता है कि 100 मीटर्स में भी हो जाए। वायर जो है वो ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, और दूसरा जो वायर है वो ऐसे चलेगा, उसके साथ साथ ऐसे क्वाइल्ड हो जाएगा। तो ये क्वाइल्ड हो जाएगा तो कम एरिया कवर, मतलब कम लेंथ में हम इसको एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो गैप होगा दोनों के बीच में, दिस गैप इज 1 मीटर, ठीक है। सो बहुत लंबा बनाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इसमें इश्यू है, और उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व कर लेंगे तो जा करके एम्पियर को हम एक्चुअली में कैलकुलेट कर करके दिखा सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करेंट। लेकिन ये बहुत एक्यूरेटली मेजर्ड हो चुका है, ठीक है, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। आपके बुक में एक ओल्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि दिया हुआ है, रॉजर्स स्पाइरल, ठीक है, इसको भी समझते हैं ये क्या होता है। तो इसमें एक लैब वाली जो स्टैंड होती है, ठीक है, वो ले लेते हैं, और उसमें एक हम क्वाइल को फिक्स करते हैं। ये एक रॉड सा होता है, ठीक है, इसको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, और इसमें से हम लोग एक कॉपर का कोई स्प्रिंग जैसा हो, जो बहुत ही पतले से वायर से बनाया गया, नॉट ए वेरी हार्ड, बहुत जैसे बाल के मोटाई की जितना पतला हो, ठीक है, बहुत ही पतला वायर ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है, जिस पर कोई पेंट वगैरह नहीं चढ़ा हो, ठीक है, ये है वायर। नीचे में, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वॉच ग्लास ले लेते हैं, कोई भी कटोरा या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी बीकर ले सकते हैं, लेकिन वॉच ग्लास इज एनफ। तो ये वॉच ग्लास है, और इस वॉच ग्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम कुछ मरकरी जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है, ये क्या है, HG, बिकॉज मरकरी एक गुड कंडक्टर होता है, मेटल है, तो मरकरी फिल कर देते हैं। और ये जो वायर है ये ऐसा करेंगे ताकि इसमें जस्ट टच हो जाए, जस्ट इसको टच करता रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा वायर लेंगे, जो एक वायर लेते हैं जो यहाँ पर पहले उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसमें कोई स्विच भी लगाना पड़ सकता है, कोई सेल लगा दिया गया। अब इस सेल से का दूसरा सिरा ये मरकरी में हम लोग जा करके छोड़ देते हैं इसको। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ से करंट जाएगा, तो वो करंट इस क्वाइल में बहना शुरू होगा, करंट ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे होके जाएगा, तो यहाँ पर जो करंट आएगा, ठीक है, ये इधर से ऐसे टर्न हुआ, ठीक है। तो मैंने जो बनाया है इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया था, आप देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर करंट क्या होगा, ऐसे होगा, और इधर में पीछे की तरफ होगा, ठीक है, मतलब क्वाइल ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्न जो आपकी सामने से जा रहा है उसमें ऐसे करंट है, अभी नीचे से होके जब गुजरेगा दूसरा टर्न आएगा तो फिर उसमें भी सामने की तरफ करंट होगा। तो ये जो करंट है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है करंट। तो पैरेलल करंट में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अगर दो करंट पैरेलल हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो क्वाइल है उसमें हर जगह करंट क्या रहेगा, ये पहला जो लूप है और जो दूसरा जो लूप है, ठीक है,
इसमें हर जगह करंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहता है, ऊपर में भी अगर एंटी क्लॉकवाइज नीचे भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या होंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाइल अट्रैक्ट करेगा तो सब थोड़े थोड़े क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कम होगा, रिकॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा यूं कहें तो, ठीक है। तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो टिप है इसका, ये एच जी से थोड़ा सा जो लेवल है मरकरी का उससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होते ये ऊपर चला जाएगा और सर्किट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होगा तो करंट क्या होगा इसमें जीरो हो जाएगा, तो जो लॉरेंज फोर्स लग रहा था उस कॉइल में वो भी बंद हो जाएगा लगना, तो फिर से ये लूज पड़ जाएगा, फिर से जाकर के ये नीचे में टच कर जाएगा, ठीक है, फिर से सर्किट ऑन हो जाएगा। तो आप पाओगे क्या कि ये जो वायर का जो एंड है वो उस मरकरी में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज करके एक एक तरह की मशीन बना ली हमने, ठीक है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो है वो अप डाउन करता रहता है, ठीक है, यानी कि एक मशीन बन गई है हम। ये तो एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा मशीन बना लें जो बहुत ही स्ट्रांग ये फोर्स लगाए, तो हम चाहें तो कोई मशीन बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिलाई मशीन बना सकते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक मोटर जो बनाते हैं उसके पीछे भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए पहले आपको टॉर्क जानना होगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप एग्जांपल 4.9 दिया हुआ है और ये 4.10 है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी न्यू टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट करता, मैं क्वेश्चन ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको, अब हम आगे देखते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट क्या होता है। कन्फाइनमेंट आपको मालूम है कि जो एनर्जी का एक बड़ा सोर्स, मतलब एक काफ़ी पॉपुलर सोर्स जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका फीजन होता है और उस फीजन में बहुत एनर्जी निकलती है, ठीक है, और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये काम किया जाता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो उसको सिटी से काफ़ी दूर बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लीथल रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको मालूम है कि हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था उसकी वजह से आज भी वहाँ का जो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ये पॉल्यूटेड मतलब सिर्फ वो लो लेवल का पॉल्यूशन नहीं है, वो अलग ही लेवल का पॉल्यूशन है, वो सीधा कैंसर ही करता है, ठीक है। कुछ पॉल्यूशन होता है जिससे हमें तकलीफ होती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और फिर वो चला जाता है, लेकिन वो एक ऐसा पॉल्यूशन है, ठीक है, न्यूक्लियर जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन जो है वो इन्वायरमेंट में होता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो लिविंग सेल्स हैं उनके जो क्रोमोजोम्स हैं उन क्रोमोजोम्स में से कुछ जो सेक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, या पूरा एक क्रोमोजोम ही ख़राब हो जाता है। तो इससे जीन जो होता है वो उसमें म्यूटेशन आ जाता है और वो जो सेल्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से डिवाइड करना शुरू करते हैं। सेल डिवीजन जो है वो नॉर्मल नहीं होता और वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लग जाते हैं, ठीक है, ये नहीं मालूम कि वो क्यों तेज़ी से डिवाइड करते हैं, लेकिन वो तेज़ी से डिवाइड करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो एक टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं और उस वजह से फिर हमारे बॉडी में कहीं कहीं ट्यूमर होता है, ठीक है, और वो कैंसर कर सकता है। ट्यूमर क्या, वो कैंसर ही होता है।
जो अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, फीजन रिएक्शन है, ठीक है। फीजन रिएक्शन यूरेनियम या प्लूटोनियम ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैवी एलिमेंट जो है उनके फीजन से हम ये करते हैं, ठीक है। लेकिन सन पे जो एनर्जी है वो एनर्जी न्यूक्लियर फीजन से नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन से आ रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई को हम मिलाते हैं, ठीक है, के मिलने से फ्यूजन रिएक्शन होता है और उसमें हीलियम बनता है। दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, एटम नहीं, दो प्रोटॉन के जो न्यूक्लियाई, दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई नहीं, दो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं और उससे फ्यूजन रिएक्शन होता है सन पे और हीलियम बनता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस होते हैं, सबसे जो स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है, वो आयरन है, जिसका कि मास नंबर क्या है, 56 है। सो आयरन से जो हल्के वाले हैं, ठीक है, मतलब लाइटर एलिमेंट्स हैं, वो फ्यूज करके आयरन जैसा न्यूक्लियाई फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। और जो आयरन से हैवियर वाले हैं, ठीक है, वो डीके करके, वो ब्रेक करके न्यूक्लियाई को के मास को कम करना चाहते हैं। यानी यूरेनियम जो होता है वो ब्रेक करके छोटा होना चाहता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहता है। और जो स्मॉलर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन हो गया, वो क्या करता है, वो फ्यूज करके हीलियम बना सकता है। हीलियम फ्यूज करके अदर हायर एलिमेंट्स लाइक कार्बन बन सकता है, नाइट्रोजन बन सकता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो स्टार्स के डेब्रिस से ही तो हमारा सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो जो लाइफ है अर्थ पर, ये प्लानिटरी सिस्टम है, वो स्टार के डेब्रिस से ही आया। जब सन जो है वो सन में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो एक ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट से जो थोड़ा बहुत मटेरियल जो बाहर की तरफ निकला, उससे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स या कॉमेट जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में बन गए हैं, ठीक है। अर्थ भी उन्हीं में से एक है। सो अब ये सोचा जा रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पे करवा लें किसी तरीके से, तो उसमें हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता, उसमें से प्योर एनर्जी निकलती है, ठीक है। जो हीट एंड लाइट एनर्जी होती है वो निकलती है, उसमें कोई अल्फा या बीटा रे नहीं निकलता। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो जो एनर्जी है, एक बार क्या किया जाता है कि फ्यूल जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में डाल के छोड़ देते हैं और वो 4-5 साल तक वो आराम से चलता है, ठीक है। सो उस अब जैसे कोल वाला जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बार बार कोल को रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें एक बार फ्यूल डाल दिया जाता है 4-5 साल के लिए, इवन 10 ईयर्स तक काम करता है, लेकिन काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में अगले वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकेंड जो पार्ट है बुक का उसमें आप पढ़ोगे। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। अभी कुछ साल पहले, जहाँ तक शायद 2014 या उससे पहले की बात है, याद नहीं आ रहा मुझे ईयर एग्जैक्ट, फुकुशिमा जापान में रिएक्टर है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल हो गया था, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया और उसमें करीब 4000 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। और रिकवरी जो होता है इनका, वो बहुत सालों तक नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल स्प्रेड आउट हो जाता है कि वहाँ पे फिर उस रीजन में कोई रह ही नहीं सकता, वहाँ पर इवन फार्मिंग भी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो लिविंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कैंसरस हो जाते हैं और वो रह नहीं सकते। सो एक अल्टरनेटिव के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हम इस पे फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते, तो एक नया एनर्जी का सोर्स जो है वो फ्यूज़न हम कर सकते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन करवाने से काफ़ी फ़ायदा ये है। पहला फ़ायदा ये है कि उसमें कोई इस तरह का क्रिटिकल कंडीशन नहीं होता कि एक्सप्लोड होगा, ठीक है। उसको हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसमें क्रिटिकल मास जैसी कुछ चीज़ होती है, और तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि उसमें हार्मफुल रेडिएशन, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं लाइक बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल जैसे हार्मफुल पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल्स नहीं निकलते, ठीक है। तो इसलिए बहुत ये अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो, उसको कराने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी एक बॉम्ब की एनर्जी है, ठीक है,
न्यूक्लियर फीजन में जो एनर्जी है वो आपके माचिस जलाने में जो एनर्जी लगती है, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए लोग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। प्लाज्मा आपको मालूम है कि क्या होता है? प्लाज्मा बहुत ही जो एटॉमिक फॉर्म होता है मैटर का, ठीक है, जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इस फॉर्म में जब वो रहता है अनबाउंडेड फॉर्म में तो हम इसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स में ये स्टडी चल रही है और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी वो हेल्प कर रहा है। तो प्लाज्मा के बारे में कोई भी रिसर्च अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो अगर हम इस बारे में कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं तो प्लाज्मा को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लाज्मा को हम स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज वो इतनी ज़्यादा एनर्जी का, इतनी हाई टेम्परेचर का है कि उसको हम कहीं रख ही नहीं सकते। जिस कंटेनर में हम रखेंगे वो कंटेनर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा बन किससे रहा है? वो किसी न किसी मटेरियल से ही तो बनाया गया है, और वो जो उसका इतना हाई टेम्परेचर, जैसे आयरन है, तो अगर आयरन जब कंटेनर में रखते हैं तो आयरन का 2600 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सो उनका टेम्परेचर तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 5000 हो सकता है, तो उतने हाई टेम्परेचर के मटेरियल को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए जो तरीका है वो है मैग्नेटिक बॉटल, ठीक है, इसको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं, कन्फाइनमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस बॉटल नुमा शेप में होता है, ठीक है, जैसे वो बीन नहीं होता सपेरे वाला, कुछ उस शेप में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा इधर ले लिया मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करवाते हो तो आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद सर्कुलर पाथ में इंटर करता है, अगर आप परपेंडिकुलर इंटर करवाते हो तो प्लेन में, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम लोग उसमें किसी एंगल से इंटर करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हेलिकल पाथ में घूमना शुरू करेगा, ठीक है, उस पे लॉरेंज फोर्स लगेगा और वो हेलिकल पाथ में घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं मैंने ये गलत बना दिया, यहाँ पर आएगा और फिर वो वहाँ के बाद क्या करेगा, वो रिटर्न बैक हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे हो करके फिर ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैसे डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर ये यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये ऐसे ऐसे होकर के वहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते वैसे वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम करके आएगा, ठीक है। फोर्स का वही डायरेक्शन जैसे आप निकालते थे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज वी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी, वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लेगा, सेंटर की तरफ, इस सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये इधर की तरफ है, यहाँ पर जैसे जब ये इधर ऐसे है तो यानी कि जो थोड़ा सा इसमें क्या है, एंगल जैसा है, ठीक है, ये ऐसे, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो ऐसे होते होते थोड़ा सा एंगल इधर हो जाता है, तो इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट होता है, इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट होता है वो इसको आगे की तरफ भी, नहीं कंपोनेंट नहीं बोलते, वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो इधर ले सकते हैं और एक इधर ले सकते हैं, ठीक है। सो एक जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन करा रहा है और दूसरी वेलोसिटी जो है उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट होने वाली जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर जाने के बाद वो क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को बॉल, इसको ऐसे फेंकते हो तो टक
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है, ये टकरा के वापस आता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो रिटर्न होकर के वापस आता है। पूरा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और ऐसा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वाइल होता है, क्वाइल वन, और इधर एक क्वाइल होता है क्वाइल टू। ये बहुत सिंपलिस्टिक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है, तो वो प्लाज्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से बॉटल में रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कोई एक पार्टिकल नहीं, इसमें पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो एनर्जेटिक फॉर्म में यानी प्लाज्मा के फॉर्म में है। प्लाज्मा, आपने प्लाज्मा देखा हो, जो गैस का जो लाइटर होता है, ठीक है, गैस में का जो लाइटर होता है, जब आप उसको दबाते हो तो उसमें से एक चिंगारी सी निकलती है। वो चिंगारी है क्या, देखो गैस के लाइटर में बीच में एक होता है, यहाँ से चिंगारी निकल करके इधर की तरफ चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, 5000 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर से चार्ज जो है वो वहाँ पे जाता है, जंप करता है, ठीक है। अब ये चार्ज जो है, मतलब एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज उसमें फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन चार्ज फ्लो कर सकता है कब, एयर बिकम्स ए कंडक्टर एट ए वेरी हाई वोल्टेज। तो ये बहुत हाई वोल्टेज होता है, अगर आप इसको छुओ लेते हो तो आपको जोर से झटका भी लग सकता है गैस के लाइटर से, ठीक है, जो घर में जो लाइटर होता है। तो यहाँ पर से जो चार्ज मूव करता है वो चार्ज एयर के मॉलिक्यूल से को मिलता है, ठीक है, और एयर के मॉलिक्यूल से टकराता हुआ उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाता हुआ जाता है, उन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, और इतने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं कि कई बार क्या होता है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल छोड़ के अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये जो हायर स्टेट में जो जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं फोटॉन्स, अब वो फोटॉन आपको दिखता है, लगता है कि कोई चिंगारी इधर से चली जा रही है। हम चार्ज को, चार्ज इज इनविजिबल, ठीक है, वो चार्ज एयर को आयोनाइज कर देता है, और आयोनाइज होने के बाद क्या होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन से मीट करता है, और वो फोटॉन जो होते हैं वो विजिबल रेंज में होते हैं, इस वजह से हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी प्लाज्मा बनता है, ठीक है, बिजली कड़कती है बारिश होते समय, थंडर बोल्ट, ठीक है। तो जो बिजली आप देखते हो वो क्या है, वो जो आपको चिंगारी देखती है वो है क्या, वो चीज़ है, वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और वो जो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन से मीट करते हैं, जो लाइट आप देखते हो, ठीक है, वो भी प्लाज्मा है। इवन प्लाज्मा लैंप भी आता है, खिलौना होता है जो गोल सा होता है, ऐसा बना होता है, इसमें ऐसे ऐसे अजीब से ऐसे ऐसे लाइंस निकलती रहती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आप प्लाज्मा लैंप सर्च करोगे गूगल में तो मिल जाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कहीं ना कहीं आपने लाइफ में एक बार देखा होगा, वही प्लाज्मा जो होता है वो इनॉर्मस अमाउंट में, मतलब एक सर्टेन अमाउंट में बनाया जाता है, ठीक है, फॉर रिसर्च वर्क, और उसको उसको किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, सो उसको हमें किसी मैग्नेटिक बॉटल में कन्फाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इंडिया में कहाँ पर हो रहा है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो ITER में है, ठीक है, ये नहीं इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन कॉल्ड द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER बींग सेट अप इन फ्रांस। तो ये फ्रांस में बनाया जा रहा है, ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हो, और इंडिया में भी इसके बारे में क्या रिसर्च हो रहा है उसके बारे में आप सर्च कर लेना, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जो हैं एक दो वो आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टॉर्क ऑन करेंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो फ्यूजन रिएक्शन करवाने से काफ़ी फायदा ये है, पहला फायदा ये है कि उसमें कोई इस तरह का क्रिटिकल कंडीशन नहीं होता कि एक्सप्लोड होगा, ठीक है, उसको हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसमें क्रिटिकल मास जैसी कुछ चीज़ होती है, और
तो एक तो ये बात है, दूसरा ये कि उसमें हार्मफुल रेडिएशन, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं लाइक बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स नहीं निकलते, ठीक है। तो इसलिए बहुत ये अच्छा सोर्स हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो उसको कराने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी एक बॉम्ब की एनर्जी है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फीजन में जो एनर्जी है वो आपके माचिस जलाने में जो एनर्जी लगती है, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए लोग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। प्लाज्मा आपको मालूम है कि क्या होता है, प्लाज्मा बहुत ही जो एटॉमिक फॉर्म होता है मैटर का, ठीक है, जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इस फॉर्म में जब वो रहता है अनबाउंडेड फॉर्म में तो हम इसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स में ये स्टडी चल रही है और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी वो हेल्प कर रहा है। तो प्लाज्मा के बारे में कोई भी रिसर्च अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो अगर हम इस बारे में कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं तो प्लाज्मा को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लाज्मा को हम स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज वो इतनी ज़्यादा एनर्जी का, इतनी हाई टेम्परेचर का है कि उसको हम कहीं रख ही नहीं सकते। जिस कंटेनर में हम रखेंगे वो कंटेनर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा बन किससे रहा है, वो किसी न किसी मटेरियल से ही तो बनाया गया है, और वो जो उसका इतना हाई टेम्परेचर, जैसे आयरन है, तो अगर आयरन एक कंटेनर में रखते हैं तो आयरन का 2600 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सो उनका टेम्परेचर तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 5000 हो सकता है, तो उतने हाई टेम्परेचर के मटेरियल को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए जो तरीका है वो है मैग्नेटिक बॉटल, ठीक है, इसको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं, कन्फाइनमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस बॉटल नुमा शेप में होता है, ठीक है, जैसे वो बीन नहीं होता सपेरे वाला, कुछ उस शेप में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा इधर ले लिया मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करवाते हो तो आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद सर्कुलर पाथ में इंटर करता है, अगर आप परपेंडिकुलर इंटर करवाते हो तो प्लेन में, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम लोग उसमें किसी एंगल से इंटर करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हेलिकल पाथ में घूमना शुरू करेगा, ठीक है, उस पे लॉरेंज फोर्स लगेगा और वो हेलिकल पाथ में घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं मैंने ये गलत बना दिया, यहाँ पर आएगा और फिर वो वहाँ के बाद क्या करेगा, वो रिटर्न बैक हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे हो करके फिर ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैसे डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर ये यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये ऐसे ऐसे होकर के वहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते वैसे वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम करके आएगा, ठीक है। फोर्स का वही डायरेक्शन जैसे आप निकालते थे आप निकाल सकते हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज वी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लेगा, सेंटर की तरफ, इस सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये इधर की तरफ है, यहाँ पर जैसे जब ये इधर ऐसे है तो यानी कि जो थोड़ा सा इसमें क्या है एंगल जैसा है, ठीक है, ये ऐसे, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो ऐसे होते होते थोड़ा सा एंगल इधर हो जाता है, तो इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट होता है, इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट होता है वो इसको आगे की तरफ भी, नहीं कंपोनेंट नहीं बोलते, वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी है
इस वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो इधर ले सकते हैं और एक इधर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन करा रहा है और दूसरी वेलोसिटी जो है उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट होने वाली जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर जाने के बाद वो क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को बॉल इसको ऐसे फेंकते हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है, ये टकरा के वापस आता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो रिटर्न होकर के वापस आता है। पूरा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और ऐसा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वाइल होता है, क्वाइल वन, और इधर एक क्वाइल होता है क्वाइल टू। ये बहुत सिंपलिस्टिक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। तो वो प्लाज्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इस तरीके से बॉटल में रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कोई एक पार्टिकल नहीं, इसमें पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो एनर्जेटिक फॉर्म में यानी प्लाज्मा के फॉर्म में है। प्लाज्मा, आपने प्लाज्मा देखा हो, जो गैस का जो लाइटर होता है, ठीक है, गैस में का जो लाइटर होता है जब आप उसको दबाते हो तो उसमें से एक चिंगारी सी निकलती है। वो चिंगारी है क्या, देखो गैस के लाइटर में बीच में एक होता है, यहाँ से चिंगारी निकल करके इधर की तरफ चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, 5000 या 5000 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर से चार्ज जो है वो वहाँ पे जाता है, जंप करता है, ठीक है। अब ये चार्ज जो है, मतलब एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज उसमें फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन चार्ज फ्लो कर सकता है कब, एयर बिकम्स ए कंडक्टर एट ए वेरी हाई वोल्टेज। तो ये बहुत हाई वोल्टेज होता है, अगर आप इसको छू लेते हो तो आपको जोर से झटका भी लग सकता है गैस के लाइटर से, ठीक है, जो घर में जो लाइटर होता है। तो यहाँ पर से जो चार्ज मूव करता है वो चार्ज एयर के मॉलिक्यूल से को मिलता है, ठीक है, और एयर के मॉलिक्यूल से टकराता हुआ उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाता हुआ जाता है, उन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, और इतने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं कि कई बार क्या होता है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल छोड़ के अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये जो हायर स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं फोटॉन्स, अब वो फोटॉन आपको दिखता है, लगता है कि कोई चिंगारी इधर से चली जा रही है। हम चार्ज को, चार्ज इज इनविजिबल, ठीक है, वो चार्ज एयर को आयोनाइज कर देता है, और आयोनाइज होने के बाद क्या होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन्स इमिट करता है, और वो फोटॉन जो होते हैं वो विजिबल रेंज में होते हैं, इस वजह से हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी प्लाज्मा बनता है, ठीक है, बिजली कड़कती है बारिश होते समय, थंडर बोल्ट, ठीक है। तो जो बिजली आप देखते हो वो क्या है, वो जो आपको चिंगारी देखती है वो है क्या, वो चीज़ है, वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए और वो जो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स इमिट करते हैं, जो लाइट आप देखते हो, ठीक है, वो भी प्लाज्मा है। इवन प्लाज्मा लैंप भी आता है, खिलौना होता है जो गोल सा होता है, ऐसा बना होता है, इसमें ऐसे ऐसे अजीब से ऐसे ऐसे लाइंस निकलती रहती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आप प्लाज्मा लैंप सर्च करोगे गूगल में तो मिल जाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कहीं ना कहीं आपने लाइफ में एक बार देखा होगा, वही प्लाज्मा जो होता है वो इनॉर्मस अमाउंट में, मतलब एक सर्टेन अमाउंट में बनाया जाता है, ठीक है, फॉर रिसर्च वर्क, और उसको उसको किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, सो उसको हमें किसी मैग्नेटिक बॉटल में कन्फाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इंडिया में कहाँ पर हो रहा है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो ITER में है, ठीक है, ये नहीं इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन कॉल्ड द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER बींग सेट अप इन फ्रांस। तो ये फ्रांस में बनाया जा रहा है, ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हो, और इंडिया में भी इसके बारे में क्या रिसर्च हो रहा है उसके बारे में आप सर्च कर लेना, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस जो हैं एक दो वो आपको करना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। Thank you.